उपलक्ष में सतीश जी महाराज जी हमारे साथ उपलक्ष हैं और यहाँ हजारों की संख्या में है, सभी लोग एकत्रित हुए हैं। आइए जानकारी लेते हैं कि ये लोग सभी यहाँ पे एकत्रित क्यों हैं। सतीश जी, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम आज हमने गुरु रविदास जी महाराज जी का 641 जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में किया, क्योंकि गुरु रविदास जी महाराज जी का ये 641वां जन्मदिन है। तो इसी कार्यक्रम में हमने 641 किलो का एक बहुत बड़ा केक बनाया, क्योंकि आज तक गुरु रविदास जयंती पर इतना बड़ा केक आज तक नहीं बना, विश्व रिकॉर्ड है ये। गुरु रविदास महाराज जी की 641वीं जयंती है और सब लोगों को गौरव बढ़ाने के लिए, गुरु रविदास जी महाराज गौरव बढ़ाने के लिए सब संगत के साथ में हमने गुरु रविदास जी महाराज जी का 641 किलो का केक बनाया है। हमारे मंदिर की ये विशेषता है, सती अनुसुईया जी का ये मंदिर है, धाम है ये, नारी समाज को शिक्षा देने के लिए सती अनुसुईया जी का हमने ये धाम बनाया। भारतवर्ष की जो संस्कृति है, बहुत ही सुंदर संस्कृति भारत देश की रही, अपनी संस्कृति को सुधारने के लिए, नारी समाज को शिक्षा देने के लिए सती अनुसुईया जी का हमने जो मंदिर सुकरताल के अंदर सती अनुसुईया धाम बनाया। लोगों को नशा मुक्त करने के लिए भी हमने 641 युवाओं को नशा मुक्त करने का कार्यक्रम किया, और हमारी जो ये बहनें आई हुई है 641 दीपों को जला करके हम 641वें गुरु रविदास जी महाराज जन्मोत्सव है और 641 शांति की कामना यहाँ पर सती अनुसुईया धाम में करेंगे। विश्व शांति के लिए हमने जो गुरु रविदास जी महाजय कार्यक्रम किया गया है, कई हजार की तादाद में है श्रद्धालु आए हुए हैं और हमारे संत समाज है। सुखदेव महाराज जी जो अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन के प्रचारक है, अध्यक्ष वे भी यहाँ पे उपस्थित है। सतीश जी, रविदास जी की जयंती के ऊपर पर तो आपने इतने सारे लोगों को इकट्ठा करा है, लेकिन मंदिर में कुछ इस कार्य साल भर में आपके चलते हैं या नहीं चलते हैं? हम जो गुरु रविदास जी महाराज जी के समय समय पर कार्यक्रम करते हैं, अभी हमारे संत स्वामी जुम्मादास जी महाराज जी 125 वर्ष की अवस्था में जो ब्रह्मलीन हो गए हैं, तो उनका भी जन्म दिवस का हम कार्यक्रम करते हैं सितंबर माह में। अनुसुईया के बारे में बताएं, वो कौन थे और किस तरीके से? देखिए, सती अनुसुईया जी अत्रि मुनि की पत्नी थी और वह सती थी। वह अपने माता पिता की सेवा करती थी, अपने शादी के बाद वे अपने पति की सेवा करती थी अत्रि मुनि की, और अब उनके सेवा से ही एक दिन ब्रह्मा विष्णु महेश उनके पास में जो भिक्षा मांगने के लिए याचक बन करके आए, और माता सती अनुसुईया जी ने उनको अपने तपोबल से छोटे छोटे जो डेढ़ डेढ़ महीने के बाल अवस्था में बच्चे जो उनको बनाया, तो ऐसी शक्ति हमारी सती अनुसुईया माता थी। सती जी महाराज, इन्होंने बताया सती अनुसुईया के धाम के बारे में और यहाँ की बहुत सारी जानकारियों के बारे में। आइए हम और जानकारियाँ लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, महिलाएं आई हुई हैं जो 641 में दीप दान कर रही हैं, 641 थाल सजे हुए हैं, 641 किलो का केक है। आइए जरा जानकारियाँ लेते हैं, आप यहाँ पर क्यों आए हुए हैं? आज रविदास महाराज जी का 641वां जन्मदिन है, उनके जन्मदिन के महोत्सव में यहाँ पर दीपदान करने के लिए।